नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में स्वर्ण आयोग को लेकर क्यों हो रहा है बवाल, क्या मांग रहे हैं आंदोलनकारी। जो हिमाचल प्रदेश में 10 दिसंबर 2021 को स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर राज्य सरकार ने एक नए नोटिफिकेशन जारी की थी। इसमें स्वर्ण आयोग को सामान्य आयोग के नाम से बनाने को लेकर सरकार ने मंजूरी दी थी। धर्मशाला में विधानसभा के शीत सत्र के दौरान स्वर्ण आयोग के समर्थकों ने जमकर बदलाव किया था। इस पर सरकार ने आयोग बनाने की हामी भरी थी, लेकिन तब इसे लेकर अब तक यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस आंदोलन ने खूनी संघर्ष का रूप भी ले लिया है। पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा, एक और भत्ते वृद्धि की घोषणा, मार्च अप्रैल में खाते में बढ़कर आएगी राशि। जी हां, देश भर के कर्मचारी पेंशनर को बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ता को बढ़ाकर 1,000 से 3,000 रुपये किया गया है, जिसके बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी देखी जाएगी। DOPT के तरफ से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारी और पेंशनरों जो CGSH के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है। CM जयराम बोले, पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से संबंधित नीति बनाएगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से संबंधित नीति बनाएगी। चौकीदारों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय में 900 रुपये प्रतिमा की वृद्धि की है। नए वित्त वर्ष में इन्हें 6500 रुपये प्रतिमा मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य सरकार सचिवालय परिसर में पंचायत चौकीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में भी 50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की जाएगी। अब इन्हें प्रतिदिन 350 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग, 4 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित। जी, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 4 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया है। इनमें 3 पोस्ट कोड के परिणाम चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। 1 पोस्ट कोड का मूल्यांकन शेड्यूल जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड टर्म 2 परीक्षा के लिए अपलोड किए एडमिट कार्ड। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टर्म 2 परीक्षाओं के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इन्हें अभ्यर्थी हासिल कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि मार्च 2022 में संचालित की जाने वाली 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की टर्म 2 परीक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र स्कूल यूजर ID पर अपलोड कर दिए गए हैं। धर्मशाला, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 2 साल बाद 18 मार्च को देंगे ऑफलाइन टीचिंग। जी हां, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 2 साल बाद अपने अनुयायियों को ऑफलाइन टीचिंग देंगे। दलाई लामा मंदिर प्रशासन ने 18 मार्च को सुबह 8 बजे मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में अनुयायियों के लिए प्रवचन शेड्यूल किया है। मंदिर प्रशासन ने इसकी सूचना धर्मगुरु की वेबसाइट पर भी डाल दी है। CM जयराम बोले, नए पर्यटक सर्किटों और स्थलों को विकसित करने पर दिया जाए जोर। जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके राज्य के अनछुए क्षेत्रों में पर्यटकों के विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिमला में पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख शहरों में होर्डिंग लगाकर राज्य के बाहर आक्रामक प्रचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए पर्यटक सर्किट की खोज करने के अलावा हवाई संपर्क बढ़ाने और साहसिक और धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान देने के साथ नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। स्वर्ण आयोग की मांग पर हिमाचल में बवाल, उग्र प्रदर्शनकारियों ने तोड़े कई वाहन, पथराव में ASP समेत 9 घायल। जी हां, स्वर्ण आयोग एक्ट के गठन की मांग को लेकर बुधवार को हिमाचल प्रदेश में दिन भर बवाल मचा रहा। डंडे लाठियां लेकर पहुंचे देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन के हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस व कई अन्य वाहनों पर पथराव किया। पुलिस से झड़प के दौरान 1 ASP समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी तमझाम ध्वस्त हो गया।
धारा 144 लागू होने के बावजूद राजधानी शिमला में प्रदर्शन के दौरान 5 घंटे और अचकता जैसा माहौल रहा। अवैध पटाखा फैक्ट्री हादसे के दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत। हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री बाथू में 22 फरवरी आग लगने से गई 12 कामगारों की जान के मामले में गुरुवार को पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी थी। इसे आगे बढ़ाने के लिए बुधवार 16 मार्च को हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी, लेकिन जमानत पर फैसला नहीं हुआ। गुरुवार को फिर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। कोरोना का एक और नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप, इस देश में मिले नए वेरिएंट से पीड़ित दो मरीज। जी हां, कोरोना महामारी से दुनिया भर में अभी भी जंग जारी है। इस बीच एक और नए वेरिएंट सामने आने से चिंता बढ़ गई है। इजराइल में कोविड 19 के नए वेरिएंट का पता चला है। यहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के दो मामले सामने आए हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये वेरिएंट अभी भी दुनिया भर में अज्ञात है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।